सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी एक्सपेरिमेंट प्लस ब्लॉग्स में। गाइस, सो मैं आपको इस चैनल पर ब्लॉग्स प्लस एक्सपेरिमेंट देते रहूंगा जो कि प्रॉपर इंटरेस्टिंग होगी। गाइस, लाइक कर देना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो फिर वीडियो को एंड तक एंजॉय करना। फिर मिलते हैं वीडियो के एंड गाइस। और ये वीडियो होने वाले किसी प्यारे सेटअप पर जिसके आपको काफी मस्त व्यू आएगा गाइस, और मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। पूरा का पूरा देसी होगा गाइस, कोई आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, सेटअप तैयार करने के लिए तो साफ सफाई जरूरी है, तो पहले साफ सफाई कर लेते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, सारे चीज़ें साफ करने के बाद हमें आती है गाइस एक प्रॉब्लम कि हम टेबल कैसे बनाएं। तो हमने यूज़ किया गया इसके लिए व्हाइट बोर्ड का, जिसे आप खुद देख सकते हैं कितना जुगाड़ लगाया गाइस हमने। इसीलिए बोला गया है गाइस, फ्री में होगा, देसी होगा, क्रेजी एक्सपेरिमेंट प्लस ब्लॉग चैनल पर होगा। गाइस, अभी हमने अपनी तैयारियां कर रखी है जो कि हमारा सेटअप बनने वाला है। सो सेटअप को जल्दी से तैयार करते हैं, और सेटअप के लिए हमने कुछ लाइट्स की व्यवस्था की गई। भले हमने ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं ली है, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी अपना जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना लगाया गाइस। सो क्योंकि टेंट वालों के पास होता है, वही हमने यहाँ पर ले रखा है पुराना वाला गाइस, जिसका लाइट खराब हो गया था। आप पास से भी देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये कुछ लाइट्स है गाइस। भाइयों, हमने प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और मिलते हैं सेटअप के बाद। सो गाइस, लाइट की व्यवस्था तो हमने अपने हिसाब से कर रखी थी, बस बात आती है किसी उसके पावर देने पर। तो हमारे पास 2-3 साल पुराना एक इन्वर्टर पड़ा था गाइस, उसी के बैटरी हमने यूज किया है। सो आप देखते रहिए कैसे हमने उसको डिजाइन किया है। और सो गाइस, अपने पास आ गए पुराना इन्वर्टर जिसे हम ठीक करने वाले, और ये बहुत दिनों से पड़ा था गाइस, लगभग 2-3 साल हो गए हैं। बहुत लेटेस्ट वर्जन था, बहुत अच्छा यूज किया हमने इसका, लेकिन ये लाते ही खराब हो गया था। सबके चलाया तो बहुत लंबा चला था, पता नहीं गाइस इसका बैटरी ऑन है कि खराब हो गया है। इतना तो पता है कि गाइस इसका इन्वर्टर खराब हो गया, तो जल्दी से इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नट्स हमने खोल लिए हैं, अब जल्दी से इनकी खोल के देखते हैं गाइस क्या हुआ है। सो अभी इसका चारा नट खोल लिया है अपन ने, अब इसको खोलते हैं गाइस, फिर देखते हैं क्या हाल हुआ है। खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बहुत धूल जम गया है इसमें, आप देख सकते हैं। सारा चीज तो सही लग रहा है गाइस, भले ही मैं 10th क्लास में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को भी पता है गाइस। तो अब इसको जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं तो क्या क्या सामान ठहरी है। तो जो सामान हमें लगेगा कि खराब है, हम उसे ले जाएंगे रिपेयर शॉप, हमें इसकी बैटरी की जरूरत है। तो बैटरी को देखते हैं ठीक है या फिर नहीं है, अगर बैटरी सही हुआ तो बैटरी को यूज कर लेंगे। और ऑलरेडी अपन के पास बैटरी चार्जर है, उससे भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे, आप वीडियो में बस बने रहना। बैटरी का वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे अपन को बहुत ही आसानी होगी गाइस इसे यूज करने में। तो इसके लिए ये लाइट है जिसे मैंने आपको पहले दिखाया है, तो इसे ट्राई करके देखते हैं शायद बैटरी सही हो। और ये है इसी का वायर, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, प्रॉपर इसी का वायर है ये, इसी में जुड़ा है ना, इसमें कोई बैटरी ना कुछ भी है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, माइनस प्लस लाइट जल रहा है गाइस, देख सकते हैं, पूरा दिखा देना। यहाँ पर बोर्ड आ गया है गाइस अपन का, सो इसे चालू करके देखते हैं, से ऑन कर देता हूँ। दिक्कत आ गया था इसलिए चालू नहीं हो पा रहा था, सो अभी ये प्रॉपर चालू है, टेस्ट करके देखते हैं। बटन ऑन कर देते हैं गाइस। सो गाइस, बैटरी हम किया है गाइस, हमने पहले इसको टेस्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने लाइव आपको दिखाएंगे गाइस, प्रॉपर कोई फेक नहीं होगी। ये प्लस और ये माइनस आप देख सकते हैं गाइस, आप खुद ही देख सकते हैं, कोई फेक नहीं, प्रॉपर रियल है गाइस, आप देख सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है हमारा लाइट, कोई फेक नहीं गाइस, प्रॉपर रियल है। जा सकते हैं, अभी मैंने ऑन किया तो ऑन, अभी मैंने इस वायर को हटा दिया तो ऑफ, अब फिर से देख सकते हैं। और हमने इसमें कनेक्शन कर ही दिया गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काम करेगा, और इस बटन को भी लगा दिया गाइस। तो जल्दी से हम इसमें दोनों में कनेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, कोई भी फेक नहीं, वीडियो प्रॉपर रियल है, हमने इसे इसलिए लगाया गाइस, कांच बार बार निकल जाता था, तो हमने पीवीसी पाइप के खुला लगा दिया है, जैसे लाइक कुछ ऐसे लगाया हमने इसे, देखते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकलेगा लाइट भी, लाइट ऑन और ऑफ। सो हम जल्दी से इसे फिट करते हैं। सो गाइस, सारी तैयारी हमने कर रखी है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक लाइट ऊपर लगाया जाए जो कि एसी करंट से चलने वाला है, और इसे पावर देने के लिए हम एसी करंट का यूज करेंगे गाइस। एक लाइट हमें लगाया गाइस यहाँ पर जो कि 12 वोल्ट से चलेगा गाइस, इसे हमने इन्वर्टर को ठीक किया है, उसका बैटरी बस से हम यूज़ कर लेंगे,
ये दो पिन हमने अंदर से निकाले हैं गाइस, कोई फेक नहीं है, रियल है। और बटन को ऑन करते हैं गाइस, लाइट ऑन हो गया है, इस टाइप से कुछ वीडियो क्वालिटी आएगी। और ऊपर वाला लाइट एसी करंट से ऑन होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पर ये फोकस में लाएगा, जिससे हमारी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी गाइस। बस इतने छोटे से सेटअप। बहुत झन आदमी देखते, लेकिन बहुत झन के जांगा सर चुके रही थे। उमन चाहे भी ना, उमन मन भी करी ना कि एक ठा लाइक के बटन ला दबा, नहीं दबावन, हम काबर दबाबू, हमार तो मने नहीं, हमार तो जांगर सर गए। तो जिनका जांगर सर गया है हम उनको नहीं बोल रहे, जरूर बताना। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, प्लीज एक वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, हो सके तो एक कमेंट भी लिख देना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता गाइस। और ये वीडियो शायद अच्छी बनी होगी मुझे लगता है गाइस, अगर अच्छा बना है तो शायद कमेंट कर दोगे आप। ऐसा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।